महाभारत के युद्ध में अनेक योद्धाओं ने हिस्सा लिया। अधिकतर योद्धाओं के युद्ध करने के पीछे अपने अपने स्वार्थ और मतलब थे। दुर्योधन को अपना राज बचाना था, पांडवों को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और अपना राज वापस चाहिए था, द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर के प्रति अपनी निष्ठा और ईमानदारी का प्रमाण देना था, भीष्म पितामह को अपने राज को एक उचित उत्तराधिकारी देना था। परंतु उस युद्ध में एक ही योद्धा ऐसा मौजूद था जिसका इस युद्ध से कोई स्वार्थ नहीं था। वो योद्धा था सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था, परंतु दुर्योधन का कर्ण की मित्रता से भी स्वार्थ था, लेकिन कर्ण का दुर्योधन की मित्रता से कोई स्वार्थ नहीं था, जिसका प्रमाण कर्ण ने रणभूमि पर अपने प्राण त्याग कर दिए। अर्जुन के हाथों बाण लगने से कर्ण जब मौत के निकट था, तब वह बेहद असहनीय पीड़ा से गुजर रहा था। उसके मन में ढेरों सवाल थे जिसका वो जवाब चाहता था। कर्ण अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए श्री कृष्ण को याद किया और कृष्ण से निवेदन किया अपने पास आने के लिए। श्री कृष्ण कर्ण के निवेदन पर उसके पास आए। श्री कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने प्रश्न किया, हे वासुदेव, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर आप ही दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, पूछो राधे, तुम्हारे क्या प्रश्न है? कर्ण ने कहा, हे माधव, जन्म देते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया, क्योंकि मैं माता के विवाह के पूर्व जन्मा था। परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने से मेरा क्या अपराध था? उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय ना था। जीवन भर मैं इस बोझ को ढोता रहा। भगवान परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दी, पर अभिशाप स्वरूप श्राप भी दिया। जिस वक्त मुझे इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस वक्त मैं वो विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुरूप मैं क्षत्रिय ना था। परशुराम की नींद खराब ना हो, इसके लिए मैंने एक असहनीय घाव की पीड़ा को सहा था, जिसके उपहार स्वरूप में उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। क्या असहनीय पीड़ा को सहना मेरा अपराध था? एक बार जब मैं अपनी शब्द भेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब मेरा एक तीर गलती से एक बछड़े को लग गया और बछड़े की मृत्यु हो गई। वह बस एक दुर्घटना मात्र थी। मेरे बार बार माफी मांगने के बावजूद बछड़े के स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया। असहाय अवस्था में मेरी भी मृत्यु हो गई। गलती से हुई उस दुर्घटना में भी मेरा कोई दोष नहीं था, परंतु फिर भी मुझे उसके श्राप का कष्ट भोगना पड़ा। दुर्घटना तो किसी से भी हो सकती है कृष्ण, इसमें मेरा क्या अपराध था? इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी सूत पुत्र कहकर मेरा अपमान किया गया। क्या सूत पुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? परिस्थिति ने मुझे सूत पुत्र बनाया था, इसमें मेरा क्या अपराध था? माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया। मुझे जो भी प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है। अगर मैं दुर्योधन तरफ से लड़ा तो मैं गलत कैसे हुआ कृष्ण? कर्ण के सभी प्रश्नों को सुनने के बाद कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर देते हुए कहा, कर्ण, मेरा जन्म तो कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही कंस के रूप में मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया गया। कर्ण, तुम्हारा बचपन रथ, घोड़े, खड़ग, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता, परंतु मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया उसके पहले ही प्राण घातक हमले झेलने पड़े। कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई सेना नहीं। मथुरा में प्राण घातक हमलों का मूल कारण मैं हूँ। लोगों से सिर्फ ताने ही मिले मुझे। तुम्हारे गुरु परशुराम जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान शंकर को छोड़कर तुम्हें और कोई पराजित नहीं कर सकता, उस उम्र तक मुझे कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। तुमने अपनी मनपसंद कन्या से विवाह किया, पर मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वह मुझे नहीं मिली।
बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी। जरासंध से बचाने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर तट किनारे जाकर बसाना पड़ा, जिस कारण मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा और रणभूमि से पलायन के कारण मुझे भी कायर कहा गया। जरा विचार करो कर्ण, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। कर्ण, जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती, जीवन हर किसी को चुनौतियाँ देता है। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को सहा है। परंतु कर्ण, सत्य धर्म क्या है यह तुम भली भांति जानते हो। अगर हमारा कितना भी अपमान हुआ हो और जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए तो महत्व इस बात का है कि तुम उस संकट की घड़ी में उस संकट का सामना कैसे करते हो। इस पूरी धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसा ना लगता हो कि उसकी समस्या सामने वाले से बड़ी नहीं है, बल्कि हर किसी को ऐसा लगता है कि उसकी समस्या सामने वाले की समस्या से बड़ी ही है। परंतु यह सत्य नहीं है कर्ण, क्योंकि हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी ही होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत राह पर चलकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने लगो, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती है। अगर कोई अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका हश्र तुम्हारी जैसा ही होगा कर्ण। कर्ण अपने जीवन में बहुत दुखी था। कर्ण को लगता था कि उसका जीवन बेहद अधिक कष्टों में बीता, पर जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की तुलना कर्ण के जीवन से की तो कर्ण समझ गया कि कृष्ण के जीवन के सामने तो मेरी समस्याएं कुछ भी नहीं हैं। अंत समय में कर्ण कृष्ण का यह ज्ञान सुनकर बेहद तृप्त महसूस कर रहा था और बेहद शांत मन से कर्ण ने अपने शरीर को त्याग दिया। कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के इस अंतिम संवाद में हमने ये जाना कि हर इंसान यही सोचता है कि उसकी परेशानी सबसे बड़ी है, उसी की किस्मत खराब है और वह बहुत सी परेशानियों से जूझ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम दूसरों की समस्याओं को देखें और उन्हें ध्यान से सुने समझें तो हमें हमारी समस्या बहुत छोटी लगने लगेगी। अक्सर हम अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। हमारी ज़्यादातर समस्याएं तो ऐसी होती है जिन्हें हम अपनी सूझबूझ से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा अपनी समस्याओं के लिए शिकायत करते रहते हैं। किसी के पास नौकरी नहीं तो दुखी है, किसी के पास नौकरी है तो वह अपनी नौकरी के काम से दुखी है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास है उसमें हम खुश नहीं रहते, बल्कि हमारा ध्यान उन चीज़ों पर रहता है जो हमारे पास नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं। जब तक जीवन है तब तक समस्या है। ऐसा कोई भी दिन नहीं आने वाला है जिस दिन हमारे जीवन से सारी समस्याएं, सारी कमियां समाप्त हो जाएगी। हमें अपनी समस्याओं को नकारात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टि से देखना होगा, इनका डटकर सामना करना होगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।